नमस्ते मित्रों, मैं गणेश मुंडे, बी किसान प्रतिनिधि। आज हूँ बुरहानपुर के पास निम्बोला ग्राम करके है, वहाँ पे हमारे फार्मर है, किसान भाई है, लालू भाई। उनका प्लॉट विजिटिंग के लिए हम कुछ अच्छे से एग्रोनॉमिस्ट है जो पोलोन एग्रो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में आए हुए हैं। बहुत सारे किसान यहाँ पर वेट कर रहे थे, जो एग्रोनॉमिस्ट है हमारे उनके बीच में है। किसानों के बीच में है हम लोग अभी, जो केले का जो बगीचा लगाया हुआ है अपना। बहुत से किसान हैं जो भी किसान के साथ में जुड़ रहे हैं और उस अच्छा सहयोग मिल रहा है उनका। आपका यूरिया, पोटास, मैग्नीशियम और फास्फोरस, और उसके अब बाद में 0050 पोटेशियम सोनाइट, वो सब मतलब अल्टरनेट में चालू। डिस्टेंस 13045, वो सब मतलब जो वाटर सोल्यूबल। कितना है डिस्टेंस ये? ये 5x6। 5x6 जो अभी जुलाई वाला जो अपना प्लांट था ये और ये जून वाला था, दोनों में अंतर कितना है? कुछ ही दिन, महीने का भी नहीं है, कुछ दिन का है। पूछो डेट क्या थी अपनी? 13 जून। आठ जुलाई। कुछ दिन का है, इसलिए मैंने बोला पूरा एक महीना भी, फिर भी इसका 90% व्यायाम हुआ है और अपना अभी शुरू में 90 से भी प्लस होगा। मतलब जो अब हम बात चला रहे थे इसका एक जीता जाता है यहाँ पे एग्जाम। अभी ये स्टेज जो है, इनके हिसाब से मैंने इनको खातर भी क्यों पूछे कि जो इनका रोटेशन में चल रहा है ये आप सबको, क्योंकि मैंने उनसे आपको वही पे कहा कि आपने जो बेड वगैरह किए हैं कुछ किए, इससे समझ में ही आता है कि बहुत सारे घूमते भी है और ना कुछ वो ढूंढ के भी ला रहे सही। अभी आपको ये प्लॉट में दिक्कत है कुछ लग रही है? दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि आपका स्पेसिंग वगैरह है जो अच्छे से मेंटेन हुआ है। खाली एक चीज अभी करो, जो थोड़े आपके डंडे निकले हुए उसको बांध सके तो बांध दो, क्योंकि अभी जैसे इसमें भरण शुरू हो जाएगा वेट के हिसाब से वो ग्रेविटी के हिसाब से झुकेगा आगे और टूट के ना गिरे। इसमें हमारे यहाँ जो बांस वगैरह लगाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती क्या बांधने से? नहीं, अभी बांस की आवश्यकता कब? टेंट आ गया ना, बांस की भी आवश्यकता पहले ही बांध देना। बांस की आवश्यकता भी कब लगती होगी? अभी भी चल जाएगा, अभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी बन जाएगा। गिरपड़ वाली जो बातें होती है इसलिए हम बांस लगाते हैं, जिसको टेका बोलते हैं ना, जो टेका कब लगाना पड़ता है? इस थर्ड को अगर पूरी मैच्योरिटी नहीं मिल रही है, सनलाइट इसको नहीं मिल रही है, तभी ये टीका लगाने की जरूरत है। ये अगर खुद सशक्त है तो ये जितना इसका निस्वाड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो वजन झेल ले, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको मैच्योरिटी चाहिए ना, बच्चा हो, जिसको हम सुबह सुबह क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा है धूप में रखते हैं, क्यों रखते हैं? विटामिन डी, उसमें क्या होता है, कैल्शियम वाला जो अपनी हड्डियाँ है इसको ही मजबूती देने के लिए रखते हैं। जैसे ही इसका भी है, जब से इसका अच्छा चल रहा है ग्रोथ, कुछ चल रहा है इसके हिसाब से, अगर पूरी इसको पूरे थर्ड को इसकी सनलाइट अच्छे से मिल रही तो इसमें जो स्ट्रेंथ बननी चाहिए, जो आप खातर भी छोड़ रहे उससे भी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें सनलाइट की वजह से आ जाती है। ये माल आपकी क्वालिटी के हिसाब से है? क्वालिटी के हिसाब के माल आपके सब जगह मिलते हैं, मैंने आपको वहाँ पे भी कहा कि आप श्री गणेश कहाँ से करने वाले हो? आप यहाँ से मुहूर्त कर रहे हो? मुद्दे की बात, मेरे पास में सागर जी का फोन भी आया, बलराम जी का फोन भी आया, बोले आपको थोड़ी हेल्प करना पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा है कि हम सिलेक्टेड जो बगीचे है उनके पास हम आपको पहुँचा देंगे। खेत कहाँ है, लालू भाई के खेत का रास्ता कहाँ से जाता है, वो हम आपको खेत पे छोड़ देंगे। बांध दो तो इतनी हेल्प ज्यादा हमारे चाहिए, बांध सकते हैं, बांध दो तो बांधने से मतलब बेनिफिट।